खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। ब्यूरो चीफ चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर अफवाज पाकिस्तान मुल्क की जग्राफाई और मदारस अरबिया नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हैं। कुरान की बरकत से हाफिज दास मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। पाकिस्तान से सूद के खात्मे के लिए हुरमत सूद सेमिनार के एलामिये की मुकम्मल तायदो हिमायत करते हैं। सूद अल्लाह ताला से ऐलान जंग है जिसका वतन अजीज पाकिस्तान से खात्मा असहद जरूरी है। उलमा शेखों और तमाम पाकिस्तानी कौम सूद के खात्मे के लिए मुतहद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पढ़ने वाले कायनात की सबसे मौजूद हस्तियां हैं। इन ख्यालात का इजहार मरकजी जामिया मस्जिद रियासुल जन्ना में मौलाना मियां मोहम्मद असलम नदीम नक्शबंदी नौजवान मजहबी स्कॉलर मेंबर डिस्ट्रिक्ट कमन कमेटी साहबजादा मौलाना मोहम्मद हसन सदीकी ने इज्तमा से खिताब करते हुए किया। कहा कि कुरान मजीद को सही पढ़ना हर मुसलमान के लिए लाजम मलजूम है। अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद लेकर छोटे छोटे बच्चों के सीनों में महफूज कर दिया। मामनीन के नामा अमाल में नेकियां हाफिज कुरान की दौरान तलावत लिख दी जाती हैं। मुल्की कौमी सलामती के इदारों अफवाज पाकिस्तान को शाना बशाना बनाकर मुल्क कौम में दूरियां पैदा करना मुल्की मफाद में नहीं। पाकिस्तानी अवाम अफवाज और सलामती के इदारों ने मिलकर दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को शिकस्त दी है। खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से। ब्यूरो चीफ मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन मोहम्मद मलिक अजहर हल्का एन ए 137 यूथ विंग के सीनियर नायब सदर मनखत हो गए। मौसिन इलाका की जानिब से मुबारकबाद और सिलसिला जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरगर्म कारकुन मलिक अजहर की अपने इलाके में बेहतरीन कारकर्दगी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मलिक अजहर को हल्का एन ए 137 में यूथ विंग का सीनियर नायब सदर मुंतखब कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मलिक अजहर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग हल्का एन ए 137 के सीनियर नायब सदर बनने पर मौसिन इलाका सिविल सोसाइटी वकला सहाफती बरदरी की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। रुख करते हैं पंजाब के शहर उकाड़ा का। ब्यूरो चीफ पंजाब चौधरी मुजाहिद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा यूनिवर्सिटी में छाती के सरतान के मुतालिक आगाही सेमिनार और वॉक का इनेकाद। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में छाती के सरतान के मुतालिक आगाही पैदा करने के लिए एक सेमिनार और वॉक का अहतमाम किया गया जिसमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल उकाड़ा से डॉक्टर हिना अक्राम और डॉक्टर सिद्धराज जावेद ने शिरकत की। खवातीन उस्तादा और तलबा को ब्रेस्ट कैंसर से बचाव तशखीस और इलाज के मुतालिक जरूरी मालूमात फराहम की। इस प्रोग्राम के फोकल पर्सन डॉक्टर नसरीन अख्तर ने छाती के सरतान से बचाव के लिए न सिर्फ तलबात बल्कि मौशे की तमाम खवातीन की दुरुस्त मालूमात तक रसाई की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस हवाले से तालीमी इदारों में हेल्थ लिटरेसी को लाजमी करार देने की बात की। प्रोग्राम के मुंतजिम डॉक्टर निदा ने तमाम खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक शौर की बेदारी की अहमियत वाजिया की। उकाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने प्रोग्राम के कामयाब इनेकाद के लिए मुंतजमैन की काविशों को सराहा और उनको हिदायत की कि वो इस आगाही मुहिम की कम्युनिटी तक भी ले जाएं। ब्रेस्ट कैंसर से शफा याब होने वाले एक खातून मिसेस रियाज ने भी सेमिनार में शिरकत की और इस बीमारी और उसके इलाज के दौरान दरपेश मसाइल के हवाले से बात की। तकरीबन 2000 खवातीन में पिंक रिबन और ब्रेस्ट कैंसर लिटरेचर भी तकसीम किया गया। पाकिस्तान में छाती के सरतान पर काम करने वाले एक इदारे पिंक रिबन पाकिस्तान के डेटा के मुताबिक हर 9 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर का शदीद खतरा लाहक है जबकि इस बीमारी से हर साल 40,000 खवातीन जान की बाजी हार जाती हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं अटक का। ब्यूरो चीफ इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक अटक सिटी पिंडी गैब यूनियन कौंसल खड़प्पा सौरग मलिक फतेह खान साबिक कौंसलर यूसी खड़प्पा के ज़ेरे अहतमाम शमूलियाती जलसा आम का इनेकाद। फतेह खान अपनी बरदरी दोस्तों समेत मेजर ताहिर सादिक के काफिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। ईमान ताहिर सादिक को इस यूनियन कौंसल से भारी लीड से जितवाएंगे। शुरका का जलसे के साथ अजम। अटक से ब्यूरो चीफ इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक अटक सिटी मोटरवे पुलिस का 25वें यौम अरूज पर जोशो खरोश से मनाया गया। नौशहरा DIG N5 नॉर्थ इशफाक अहमद के खसूसी हिदायत की रोशनी में सेक्टर नॉर्थ 1 खैराबाद में सेक्टर कमांडर नॉर्थ 1 नजाकत अली बंगिश ने नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का 25वां यौम अरूज नहायत जोशो खरोश से मनाया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रोग्राम तश्कील पाए गए। मोटरवे पुलिस की 26 साल कारकर्दगी पर रोशनी डाली गई। आखिर में मुकामी स्कूल के बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। खबर है हरनाई से। सुबह के दूरदराज इलाकों में आवाम को सेहत की सहूलियात की फ्राहमी अवलिन तरजीह और वसायल में रहते हुए इकदाम किए गए। PPHI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर असफंदियार बलोच का दौरा हरनाई मौके पर बातचीत। हरनाई से नामा निगार PPHI के चीफ एग्जीक्यूटिव असफंदियार बलोच ने कहा कि सुबह के दूरदराज इलाकों में आवाम को सेहत की तमाम बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर फ्राहम करने के लिए वसायल में रहते हुए इकदाम किए गए जिसे सुबह की आवाम इस्तफादा हासिल कर रही है। टेली हेल्थ सेंटर के जरिए डॉक्टरों और मरीजों को ऑनलाइन जदीद निज़ाम के जरिए रबते में लाया गया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जिला हरनाई का अचानक दौरा करने के दौरान मुख्तलिफ BHUs का मुआयना करने के दौरान बातचीत करते हुए की। चीफ एग्जीक्यूटिव PPHI बलोचिस्तान असफंदियार बलोच ने कहा कि टेली हेल्थ और टेली मेडिसन दोनों सेहत से मुतालिक एक दूसरे से मुंसलिक सहूलियात हैं।
इसका मकसद ये है कि दूरदराज इलाकों में मरीजों को हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से मुंसलिक करना है। उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में जैसे फासले बहुत ज़्यादा हैं और दुश्वार गुजार रास्ते इलाके हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स का वहाँ बैठना ठहरना मुश्किल है। इसमें हमने सोचा कि उन्हें टेक्नोलॉजी को मुतारिफ करवाया जाए, इसलिए सूबे के मुख्तलिफ अज़ला के BHUs को माहरीन तिब जिनमें डर्माटोलॉजिस्ट, गायनोलॉजिस्ट और जनरल फिजिशियन पेडियाट्रिशियन BHUs के टेली हेल्थ सेंटर्स के साथ ऑनलाइन मौजूद होते हैं। जिस सूबे के दूर दराज इलाकों में आवाम को टेली हेल्थ सेंटर्स के जरिए बेहतरीन तिबी सहूलियात मैसर होंगी। उन्होंने कहा कि जिला हरनाई में BHU गड़मी में टेली हेल्थ सेंटर कायम किया गया, जिस जिला हरनाई के आवाम को टेली हेल्थ सेंटर के जरिए से मरीजों को हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स से मुफ्त अपना इलाज मुआवजा और चेकअप सहूलत से मुस्तफीद होंगे। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस क्लब डेरा इस्माइल खान में रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा रेंज मोहम्मद सलीम मरवत की सरबराही में तारफी इजलास का इनेकाद, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन शबीर खान, DSP हेडक्वार्टर समेत तमाम थानाचात के SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अफसरान ने शिरकत की। रीजनल पुलिस ऑफिसर डेरा ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आपको बुलाने का मकसद यह है कि अपने थानों के दरवाजे आवाम के लिए खुले रखें, जब भी कोई मजलूम या सायल थाने आए तो आप उनको आराम से बिठाकर उनके मसाइल परेशानी सुनकर उन्हें तसल्ली दें, उनके दर्द को महसूस करते हुए बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि आपकी बरवक्त कार्रवाई से इंसानी जान बच सकती है। शहरों की जानो माल के तहफ़ और रियासत की रट को यकीनी बनाने के लिए आवाम का अतमाद हासिल करके मुकामी अफराद को निशानदही पर जाए पेशान आसर के खिलाफ इम्तियाज सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाए, थानों की सतह पर शफाफियत को यकीनी बनाकर मंशियात फरोशों, कुमारबाजों, सूदखोरों और दीगर मुआशरती बुराइयों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। उन्होंने खबरदार किया कि बदनमानी और बदनीयती पर मबनी कोई भी अमल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस अफसरान शायस्ता रवैया अपना कर अवाम के साथ उसने अखलाक का मुजाहरा करें। थानों में आने वाले साइलिन बिलखसूस मुस्लिमों की दादरस्सी में कोई कसर बाकी ना छोड़ी जाए, ताकि पुलिस पर अवाम का अतमाद बहाल रहे और इंसाफ पर मबनी पुरअमन मुआशरा पर बांध चढ़े। हरनाई से खबर शामिल करते हैं। मोहम्मद आरिफ तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला हरनाई की दावत पर म्यूनसिपल कमेटी हरनाई हॉल में मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत तहरीक इंसाफ के जिले सदर सद्दाम खान तरीन ने की। जरगे का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। तहरीक इंसाफ के जिले नायब सदर अली कुल तरीन ने हरनाई के अहम और 12 बुनियादी मसाइल पर मुश्तमिल एजेंडा पेश किया। जरगे में जिला हरनाई के मुख्तलिफ सियासी जमातों, लेबर तनजीमों की सीनियर क्यादत ने शिरकत की। जिला हरनाई के मसाइल के हल के हवाले से मुनक्कदा जरगे से मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि जिला हरनाई के कौमी शराहें तबाह और सफर के काबिल नहीं। हरनाई सीबी रेलवे ट्रैक गुज़श्ता कई सालों से बंद है। जिला हरनाई में बिजली की तवील लोड शेडिंग, इंटरनेट सर्विस की बंदिश, हरनाई में मौजूद बैंकों में ATM सर्विस की बंदिश, हरनाई में तलीम की तबाहाली, हरनाई में महकमा सेहत में लेडी डॉक्टर्स का ना होना, हल्के की बहाली, हरनाई में भर्तियों का ना होना, अमन अमान की सूरत हाल, मंशियात और हरनाई सीबी रोड पर समेत दिगर मसाइल पर खिताब किया। फैसला किया गया कि इन मसाइल के हल के लिए आइंदा लाइहा अमल तैयार करने के लिए 7 दिसंबर को अहम इजलास का इनेकाद होगा। सियासी जरगा में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ऑल मुलाजमीन इत्तेहाद, हरनाई बचाओ तहरीक, सिविल सोसाइटी समेत नौजवानों ने शिरकत की।